और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज, जहां एक तरफ कोरोना वायरस का कहर है, जहां लगभग चीन में 82,500 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और जहां चपेट में अभी 2,810 लोग बताए जा रहे हैं। चीन एक तरीके से बर्बादी के रास्ते पर पहुंच चुका है। वहां पर मंजर ही कुछ ऐसा हो चुका है कि कोरोना वायरस की वजह से इतने हजार लोगों की जानें चली गई हैं और चीन के इस कोरोना वायरस की वजह से ही और देशों में भी इसका असर देखा जा रहा है। भारत में भी देखा गया था, तमाम और देशों में भी इसका असर देखा गया है, जिसकी सावधानियों के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कई सावधानियां बरती जा रही हैं कि अगर कोई कोरोना वायरस से पीड़ित है तो उसको वहीं रखा जाएगा, उसका इलाज होगा, लेकिन ऐसे शख्स को अगर वापस लाया जाता है, जैसे कि कोई भारतवासी वहां पर अटका हुआ है, अगर लाया जाता है तो एक उनके लिए जगह बनाई जाएगी, वरना ये वायरस फैल जाएगा। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि कोरोना वायरस के फैलने की वजह से ही ये सब कुछ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए, एक तरफ तो कोरोना वायरस है, वहीं भारत में नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा। अब ये दोनों मुद्दे कैसे आपस में जुड़ सकते हैं, ये अभी हमें एक शख्स बता रहे हैं। यहाँ पर नागरिकता संशोधन कानून के लिए जमकर लड़ाई हो रही है, जहाँ कुछ लोग विरोध जता रहे हैं तो कुछ लोग इसके समर्थन में भी उतरे हैं। इसका उदाहरण आपने जाफराबाद में ही देख लिया था। उत्तर पूर्वी इलाकों में जो हिंसा हुई है वो इसी बिना पर हुई है कि कपिल मिश्रा जैसे लोग भड़काऊ बयान देते हैं, सिर्फ और सिर्फ नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जो धरना दे रहे थे वो हट सके। अब ऐसे में बॉलीवुड के वो एक एक्टर है और वो एक तरीके से बयान ये देते हुए नजर आ रहे हैं, अगर भारत में कोरोना वायरस का असर फैल जाता है तो बहुत अच्छा होगा, भारत में भी कोरोना वायरस आना चाहिए। अगर ये कोरोना वायरस आता है तो यहाँ पर हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, ईसाई सब इस कोरोना वायरस को खत्म करने में जुट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि अभी जो लड़ाई चल रही है वो हिंदू, मुस्लिम और इन सभी धर्मों को लेकर चल रही है, लेकिन आम लोग जो हैं वो एकजुट हैं, लेकिन जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं और जो ये दंगाई हैं, ये उपद्रवी, ये खुद ही हिंसा को भड़काते हैं और इसी माहौल को ये पनपने देते हैं। तो साफ तौर पर जो जाहिर हो रहा है कि जो KRK हैं, कमाल आर खान जो हैं, वो पहले भी विवादों में तो घिर चुके हैं अपने बयान की वजह से, लेकिन इनका बयान कहीं ना कहीं इनको ठीक लगता है और कहीं ना कहीं ठीक भी है, लेकिन वायरस का आना ये ठीक नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से धर्म की राजनीति अभी चल रही है, जो राजनीतिक पार्टियां आम लोगों को धर्म के आधार पर बांटने पर जुटी हुई हैं, यहाँ पर आम लोग इतने बुद्धू भी नहीं है कि वो धर्म के आधार पर एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाए। यहाँ पर अभी कुछ ऐसे लोग हैं, आप ये लगा लीजिए अगर 100% अगर यहाँ पर आबादी है तो 80% आबादी अभी भी एकजुटता की मिसाल कायम करती है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिमागी तौर पर उन्हें गुमराह कर दिया जाता है, तो उनको समझ नहीं आता उन्हें कौन सी राह पर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर एकजुटता की मिसाल इस उत्तर पूर्वी हिंसा में भी देखने को मिली है। तो अब ऐसे में ये कहना कि धर्म के आधार पर जो माहौल दिखाई दे रहा है कोरोना वायरस के आने के बाद यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ये गलत है। आपको क्या लगता है KRK के इस बयान को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें SPN9।